Assalamu alaikum students, hope you are fine. As you all know, in our earlier lecture we have started our lesson number 6, that is water and power, and we done with our exercise question number 1, 2 and 3. Now today we are going to start our question number 4, 5 and 6. Let's start from the question number 4, that is how would you describe an industrial country? यानी industrial country को आप किस तरह से describe करेंगे? इसका आंसर है industrial country produce goods using its own power and natural resources. यानी कि industrial countries वो होती हैं जो अपनी खुद की power और खुद की कुदरती मादनियात को इस्तेमाल करके अपनी industries चलाती हैं और अपने goods produce करती हैं, यानी कि सामान वगैरह बनाती हैं. उसके बाद question number 5 है, from where does Pakistan obtain raw material for its industries? के पाकिस्तान अपनी industries के लिए raw material कहाँ से लेता है? इसका आंसर है फ्रॉम अर्थ सरफेस पाकिस्तान ऑब्टेन रॉ मटेरियल फॉर इट्स इंडस्ट्रीज, यानी कि ज़मीन की सतह से पाकिस्तान रॉ मटेरियल लेता है अपनी इंडस्ट्रीज के लिए. लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज नेम द असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडस्ट्रीज, यानी कि कौन सी ज़रूरी याद होती है इंडस्ट्रीज की. इसका आंसर है पावर, वाटर, रॉ मटेरियल, मशीन एंड वर्कर्स आर असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडस्ट्री, यानी कि पानी, बिजली, रॉ मटेरियल, मशीन और वहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं यानी कि मजदूर, ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी ज़रूरियात होती हैं. सो दिस इज अवर टुडेस लेक्चर. रीड आउट दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड नोट डाउन इन नीट कॉपीज एंड लर्न इट. थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.